सो हेलो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल बच्चा सारे इंस्ट्रक्शन को यहां पे ध्यान से सुनिएगा बहुत ही गोल्डन है आपके लिए इस चीज को सॉल्व कीजिए और अपने वीक पॉइंट्स को और आइडेंटिफाई कीजिए राइट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर की ये जो मेहनत है उसके लिए यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा यहाँ पे क्या है आपके सामने यहाँ पे आपके सामने 25 मोस्ट फेवरेट रिपीटेड और जो देखा गया एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने है और उसका जो क्वेश्चन पीडीएफ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसको डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर वीडियो के साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे आपको इस वीडियो में उन ट्वेंटी फाइव के प्रॉपर डिस्कशन भी मिलने वाले हैं ठीक है अच्छे से कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक चलिए शुरू करते हैं का एनसीआर एग्जाम्पल भी है 2020 हो 21 हो 22 हो चाहे वो जून शिफ्ट हो जुलाई शिफ्ट हो 21 में भी आपका चारों शिफ्ट हो एक जगह नहीं छोड़ा गया है अ सिंपल पेंडुलम इज बींग यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ प्लेस द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज दिस मच स्टॉप स्टॉपवॉच विथ वन सेकंड रेजोल्यूशन मेजर्स टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशन टू बी पचास सेकंड यानी वो जो आपका घड़ी था आपने उसमें टोटल पचास सेकंड मेजर किया और उसका जो एरर वाला कंपोनेंट है लीस्ट काउंट वो आपका एक सेकंड है बढ़िया सर तो सर पहले तो सबसे बात टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम सीखे है पेंडुलम में दट इज दिस यानी कि अगर हम सर दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें यानी कि टी इज़ इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एल यानी कि सर ग्राविटी इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वो एरर वाला जो फंडा लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे देर फॉर डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस टू डेल्टा टी बाई टी डेल्टा एल बाई एल में डेल्टा एल मतलब कि आपका जो लेंथ मेजर किया है उस 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 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या रहा था तो वो तो यहीं से पता चल रहा है डेसिमल के बाद एक प्लेस दिया है यानी कि जीरो पॉइंट वन यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट शायद ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू इतना ही मेजर कर सकता है यानी कि पॉइंट वन उसका लीस्ट काउंट रहा होगा डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज वन एंड टोटल टाइम मेजर लिया जाता है ना कि सिर्फ एक ऑसिलेशन का ठीक है ध्यान रखना यही बच्चे गड़बड़ करते हैं बच्चों को इसी में ही तकलीफ है याद रख लो टोटल टाइम रखना है यहाँ पे खत्म बात और इस पूरे आंसर को हमको रिपोर्ट करना है कितना में परसेंटेज में तो इसको सौ से गुना भी कर देंगे अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ये तो आपको पच्चीस से कट जाने वाला है तो अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे में पच्चीस सेल्सियम आएगा ऊपर में आपका आ रहा है एक तो ये आपको कहीं ना कहीं चार चार परसेंटेज नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी चलिए यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड पचास डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज व्हाट तो सबसे पहले तो ना इसका लीस्ट काउंट पता कर लो सर पिच है पॉइंट वन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फिफ्टी सो दिस इज नथिंग बट योर ये कितना हो रहा है दिस इज योर पॉइंट ठीक बोल रहा हूं ना हाँ ये तो सर हो गया है मेरा लीस्ट काउंट अब आपको इतना तो पता ही है ना कि आप जब रीडिंग की बात करते हैं रीडिंग इज इक्वल टू कि भैया मेन स्केल में आपका क्या रीडिंग आया है अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई स्केल रीडिंग तो कहीं ना कहीं भैया आपका जो डेसिमल के बाद जो भी टर्म होता है ना ये कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट का मल्टीपल होता है तो लीस्ट काउंट सर मेरा इवन नंबर है यानी कि आपका जो भी लास्ट डिजिट होना चाहिए वो एक नंबर होना चाहिए तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो लास्ट डिजिट यहां पे तीन एक पांच तीनों ही ऑड है इवन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है तो डी एक पॉसिबल रीडिंग हो सकती है तो ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज वन एम बहुत शानदार फिर हमसे कहता है इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू टू टेन डिवीजन एंड कोइंसाइड्स विद नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि भैया जो आपका टेन वी है टेन टाइम्स वी एस डी इज इक्वल टू नाइन टाइम्स मेन स्केल डिविजन सो टेन इन और रादर वन वी एस डी वन वी एस डी इज इक्वल टू नाइन बाई टेन एंड एक एम एस डी तो हमको दे रखा है ना एक mm के बराबर है सो दिस फेलो इज नथिंग बट पॉइंट नाइन एम एम यानी कि जो ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया है दैट इज हाउ मच सर दैट इज इक्वल टू वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी ये वन एम एम है और ये जनाब पॉइंट नाइन एम एम है बोले तो सर ये मेरा पॉइंट वन एम एम आ रहा है लीस्ट काउंट जो कि आपका जनरली आता है एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का वेन जॉज आर टचिंग ईच अदर सेवेंथ डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विदिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड दीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड राइट साइड का मतलब पॉजिटिव एरर है सर यहां जो मेरा एरर आ रहा है वो पॉजिटिव है यानी कि जो भी एरर आएगा उसे फाइनल रीडिंग में से सब ट्रैक करेंगे राइट एंड वॉट इज दिस एरर दिस काउंट मल्टीप्लाइड बाई जो आपका ये 7th 7th यहाँ पे खेल रहे थे so 7 7 mm, बोले तो 07 cm. ठीक बात है फिर हमसे कहता है कि वेन वर्नियर इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन थ्री पॉइंट वन टू थ्री पॉइंट टू एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिविजन को इंसाइड कर रहा था तो हमसे रीडिंग पूछ रहा है तो सर यहां पे जो मेरा फाइनल रीडिंग होगा ऑब्वियसली 3.1 से ज्यादा होगा 3.2 से कम होगा सो 3.1 प्लस आपका यहां पे फोर्थ वन ईयर स्केल डिविजन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट माइनस एरर जो है मेरा वो पॉइंट 07 का है ठीक है ध्यान रखिएगा सारे यूनिट्स को सेंटीमीटर में रखा जा रहा है तो फोर इन लीस्ट काउंट को पॉइंट mm ना बोल के सेंटीमीटर में तब्दील कर दीजिएगा तो सर ये थ्री पॉइंट वन जीरो पकड़ लीजिए यहां से आपका आएगा माइनस पॉइंट जीरो थ्री बोले तो सर थ्री पॉइंट जीरो सेवन क्या ये कोई ऑप्शन है भी हाँ है ऑप्शन नंबर सी मजा ही आ गया सर चलिए आगे बढ़ते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडल ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस पॉइंट टू सेंटीमीटर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट दिस मच ठीक है cm, much, तो हाथों हाथ लिखते भी चलते हैं हमें रेडियस दिया हुआ है पॉइंट टू सेंटीमीटर और डेल्टा आर पॉइंट डबल ज़ीरो वन सेंटीमीटर एंड लेंथ वन मीटर तो लेंथ आपको वन मीटर है मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट वन एम एम वन एम एम तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा वन एम एम को मीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए सो पॉइंट डबल ज़ीरो वन मीटर्स अ वेट ऑफ मास वन के जी वन के जी मास है और डेल्टा एम कितना दिया हुआ है मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट वन ग्राम्स विच इज पॉइंट ज़ीरो वन के जी हैज़ वॉज हैंग टू गेट द इलॉन्गेशन ऑफ पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यही राइट सो आपका जो इलोंगेशन है That is 0 0.5 centimeter, right? And what is the delta x error measured using a scale of least count? This much 0 0.001 centimeter. What will be the fractional error in the value of Young's modulus? Okay. So force upon area is equal to Young's modulus, right? Multiplied by change in length upon original length. Change in length upon original length. ठीक है हमें यंग्स मॉडल्स चाहिए तो वाई को एक तरफ रखें बाकी सबको उधर भेज दीजिए एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स ठीक एफ में क्या है मास इंटू ग्राविटी एल और एरिया को क्या लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया पाईआर स्क्वायर एक्स ठीक तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम ग्राविटी तो कांस्टेंट है डेल्टा एल बाई एल प्लस टू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स और जैसा कि हमें सवाल में परसेंटेज में आंसर देना है यानी कि हम दोनों तरफ हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दिस इज़ हंड्रेड और यहाँ पे भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए नाउ डेल्टा एम अब सब कुछ आपके पास है बस सब्सिट्यूट करते चलिए सो पॉइंट डबल ज़ीरो वन बाई वन प्लस डेल्टा एल पॉइंट डबल ज़ीरो वन बाई वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर पॉइंट ज़ीरो जीरो वन डिवाइडड बाई आर विच इज़ पॉइंट टू प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट जीरो ज़ीरो वन बाई पॉइंट फाइव होल मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ठीक अब इस हंड्रेड को अंदर भेज दीजिए तो ये आपको हो जाएगा पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन प्लस दिस इज पॉइंट वन सो पॉइंट वन बाई पॉइंट टू इज वन बाई टू सो दिस इज़ वन प्लस ये आपको कितना हो जाएगा ई फाइव इज पॉइंट टू दिस इज़ पॉइंट टू अप करेंगे तो वन पॉइंट फोर परसेंटेज आंसर हो जाएगा दिस इज ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक है द वर्नियर स्केल यूज फॉर मेजरमेंट हैज़ अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ पॉइंट टू एम एम ठीक है तो जीरो एरर हमें सवाल में दे दिया है दिस इज पॉइंट टू एम एम और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि जो भी आपका रीडिंग आएगा वो ज़्यादा दिखाया होगा सो जो भी रीडिंग आएगा हम उसमें पॉइंट टू लेस कर देंगे ठीक इफ वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट इट वॉज नोटेड दैट जीरो ऑन दी वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन एट पॉइंट फाइव एंड एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर वर्नियर कोइंसिडेंस इज सिक्स देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज़ वॉट ठीक है तो जो रीडिंग होता है रीडिंग जो होता है दिस इज गिवन बाई मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग राइट एंड प्लस माइनस एरर यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव एरर है तो हम माइनस करेंगे जैसा कि मैंने बोला पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा होगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे टू गेट दी एक्चुअल रीडिंग टू गेट दी एक्चुअल रीडिंग ठीक है अब मेन स्केल रीडिंग कितना है 8.5 है क्योंकि जो जीरो है वो 8.5 और 8.6 के बीच में है तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा सो 8.5 इज योर मेन स्केल रीडिंग राइट सेंटीमीटर्स में ही हम सब कुछ पुट कर रहे हैं प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर में आपका जहां पर कोइंसाइड किया होगा राइट right? और वो कितना है लीस्ट काउंट अपना सवाल में दिया हुआ है पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, ठीक है माइनस माइनस एरर एरर इज पॉइंट टू एम एम यानी कि पॉइंट जीरो टू सेंटीमीटर दिस इज एट पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट जीरो सिक्स माइनस पॉइंट जीरो टू दिस बिकम्स एट पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर ठीक विच इज ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़ते हैं सो थ्री स्टूडेंट एस वन एस टू एस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्माइनिंग द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्राविटी यूजिंग अ सिप्पल पेंडुलम द यूज़ डिफरेंट लेंथस ऑफ पेंडुलम एंड रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसोलेशन द ऑब्जर्वेशन और एश इन द टेबल तो इस सवाल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये लंबा बहुत है तो बच्चा इसको जैसे ही तीन लाइन पढ़ता है उसको लगता है कि सवाल छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं हालांकि ये सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है इवन एन सी आर टी में राइट नॉट द एग्जैक्ट टेबल फॉर्मेशन लेकिन ग्राविटी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम वाला वहाँ पर एक सवाल है टू फाइन द परसेंटेज एरर इन द ग्राविटी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है तो ये आपको स्टूडेंट नंबर दिया हुआ है पहले बच्चे का रीडिंग्स का क्या आ रहा है दूसरे बच्चे का क्या है और तीसरे बच्चे का क्या है ये आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन है टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन है और ये आपको टाइम पीरियड है ठीक है अच्छा लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ इज़ इतना एंड लीस्ट काउंट ऑफ टाइम इज़ इतना यानी कि एरर इन लेंथ इतना होगा और एरर इन टाइम इतना होगा इफ़ ई वन ई टू ई थ्री आर दी परसेंटेज एरर्स इन ग्राविटी फॉर स्टूडेंट्स वन टू एंड थ्री देन द मिनिमम परसेंटेज एरर इज ऑपटेंड बाय स्टूडेंट नंबर विच ठीक है तो वन टू या थ्री में से कोई आंसर होगा बढ़िया सर अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी ठीक है अच्छा आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखाई देगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एल बाई जी हमको तो यहाँ ग्राविटी में रिलेशन चाहिए सो तो ग्राविटी इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा जी बाई जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल प्लस टू डेल्टा टी बाई टी राइट जहाँ पे आपका कैपिटल टी है टाइम पीरियड डेल्टा टी हो गया आपको एरर इन टाइम विच इज़ बेसिकली और कहाँ गया पॉइंट वन ठीक है अच्छा एक और चीज़ आप देखिए एक और चीज़ आप देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड होगा वो क्या है बेसिकली टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल टी बाई एन आप ऐसा बोल सकते हैं ठीक है सो डेल्टा टी बाई टी इज बेसिकली स्मॉल डेल्टा टी बाई दिस स्मॉल टी ठीक है सो so, आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो डेल्टा एल बाई एल प्लस टू इस यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस वाच और यहाँ पे हम इसको टी बोल रहे हैं हम लोग इसको टी बोल रहे हैं इस वाली चीज़ को हम लोग कैपिटल टी बोल रहे हैं बढ़िया है अच्छा हम चाहते हैं कि परसेंटेज एरर मिनिमम हो डेल्टा जी बाई जी मिनिमम हो ये मिनिमम तब होगा जब आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा क्योंकि न्यूमरेटर तो तीनों बच्चे के लिए सेम है राइट अब स्मॉल एल और स्मॉल टी मैक्सिमम किस बच्चे के लिए है तो आप देख सकते बच्चा नंबर वन के लिए बच्चा नंबर वन के लिए लेंथ भी सबसे ज़्यादा है और टोटल टाइम भी सबसे ज्यादा इसी के लिए है इसीलिए एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कि आप जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे आपका परसेंटेज एरर उतना ही कम होगा ठीक है सो वन इज द करेक्ट आंसर बढ़िया है चलिए आगे बढ़ते हैं अ स्टूडेंट डिटरमाइंड यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फॉर्मूला दिस मच तो आपके पास यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब और गरीब फॉमुला है y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब डिवाइडेड बाई फोर बी डी क्यूब डेल्टा ठीक है द वैल्यू ऑफ ग्राविटी इज टेकिन टू बी दिस मच विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर तो ग्राविटी में बेसिकली कोई भी एरर नहीं है और हिज ऑब्जर्वेशन और एज पॉलोज फिजिकल क्वान्टिटी लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मास है तो लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट वर्ड्स वन ग्राम एंड द ऑब्जर्व वैल्यू इज टू किलोग्राम्स तो हमसे फाइनली क्या पूछा गया है फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडलसेज हाउ मच तो हमसे बेसिकली डेल्टा वाई बाई वाई पूछा गया है सो so, आप इसको ईजिली लिख सकते हो ऐसे डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस ग्राविटी में तो कोई अर है ही नहीं थ्री टाइम्स डेल्टा एल बाई एल प्लस नीचे में आपका डेल्टा बी बाई बी है प्लस थ्री डेल्टा थ्री डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा डेल बाई डेल राइट right? आप हमेशा एरर को ऐड करते जाते हो हमें मैक्सिमम पता करना होता है राइट right? अच्छा ना डेल्टा एम बाई एम जहां तक बात है डेल्टा एम की न्यूमरेटर में आप बेसिकली लीस्ट काउंट पुट करोगे सो डेल्टा एम आपका हो जाएगा वन ग्राम तो वन लिखा है मास आपका मेजर्ड इज टू किलोग्राम अब हमें यूनिट्स को सेम रखना है ऊपर अगर ग्राम लिया तो नीचे भी ग्राम में ही रखेंगे प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल यानी कि वन एम एम ये आपका वन मीटर है तो आप इसे भी एम mm में ही पुट करेंगे ठीक है डेल्टा बी यानी कि ज़ीरो पॉइंट वन एम ये आपका फोर सेंटीमीटर है तो इसे भी आप एम mm में कन्वर्ट करें पहले तो फोर्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा डी यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम आपका जीरो पॉइंट फोर सेंटीमीटर है एम mm में किया तो फोर हो जाएगा सिर्फ डेल्टा डेल विच इज़ अगेन जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाई फाइव एम है तो हम इसे लिख देंगे सॉरी ये तो आपका ऑलरेडी एम MM में ही है ठीक है अच्छा ये कितना हो जाएगा ये आपको कितना हो जाएगा अब ध्यान से देखिएगा क्यों ना हम लोग एक कॉमन टेन टू द पावर माइनस थ्री के फॉर्मेट में ही सबको लिखते हैं सो so, इसको हम लिख सकते थे जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स टेन टू द पावर माइनस थ्री प्लस ये आपको हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री प्लस जीरो पॉइंट वन बाई फोर्टी तो अगर इसको यहाँ से हटा दिया तो नीचे आपका आ जाएगा एक और जीरो तो ये आपको कितना हो जाएगा ये आपको दिख रहा है होते हुए टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री प्लस ये आपको कितना हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी और सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री प्लस और ये वाला अपना कितना आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी और टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो अगर यहां पे हम लोग टेन टू पावर माइनस थ्री को ही कॉमन ले ले तो यह जीरो पॉइंट फाइव प्लस थ्री प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस सेवन पॉइंट फाइव प्लस टू यह आपका हो जाएगा टेन टेन प्लस टू माइनस थ्री तो ये अपना आंसर है और अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखे तो इसके साथ ये मैच कर जाएगा सो ऑप्शन नंबर टू इज आंसर ठीक है स्टूडेंट इन दी लैबोरेटरी मेजर थिकनेस ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज तो ये दोनों स्टेप क्या होता है कि आप एवरेज रीडिंग निकाले आप एवरेज रीडिंग निकाले तो एवरेज रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे इनका डिवाइडेड बाय फोर सो 1.22 पॉइंट टू प्लस वन प्लस प्लस योर वन पॉइंट टू जीरो अब कई बच्चे तो यहीं पे हार मान जाएंगे कि कौन करेगा सर इतना कैलकुलेशन भैया इजी है कोई टफ नहीं है राइट right? आप यहां पे पर देखा तक वन पॉइंट टू वन आ रहा है तो ये आपको आएगा अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इंडिविजुअल एरर्स पता कीजिए यानी पहले रीडिंग में एरर कितना था राइट सो एरर इज वॉट ट्रू रीडिंग माइनस योर एवरेज राइट सो 1.22 माइनस 1.21 व्हिच इज योर पॉइंट 01 दूसरे रीडिंग में एरर कितना है दिस माइनस योर एवरेज व्हिच इज योर पॉइंट 02 तीसरे रीडिंग में एरर कितना है दिस माइनस दिस तो भैया ये माइनस पॉइंट जीरो होगा लेकिन अगर आपको ध्यान में हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं एरर का तो ये भी आपको पॉइंट जीरो और ई आपको आने वाला है पॉइंट जीरो अब आप इन एरर का भी ना आप इन एरर का भी एवरेज लेने वाले हो यानी कि पॉइंट जीरो वन प्लस पॉइंट जीरो टू प्लस पॉइंट जीरो टू प्लस पॉइंट जीरो वन दशमलव डिवाइडेड बाई फोर तो ये आपको आ रहा है पॉइंट जीरो वन फाइव ठीक किया ना भाई मैंने बिल्कुल ठीक किया तो ये आपका आया है आ, एवरेज एरर अब हमसे परसेंटेज एरर पूछा था तो सर परसेंटेज एरर होता है डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाई योर एवरेज रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड एंड दिस शुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन वन ट्वेंटी वन सो so, बच्चा लोग ये हो जाएगा 0.015 डिवाइडेड बाय 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू x बाय 121 आपको सिर्फ इसी को सॉल्व करना था तो ये आपको बेसिकली हो जाएगा 100 तो यहां से x की वैल्यू आ रही है ये आपको कितना आ रहा है 150 सो so, 150 इज द करेक्ट आंसर इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब थोड़ा सा रिऑप्टिक्स मिक्स है यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इन अ फिजिक्स लैब स्टूडेंट मेजर्स रियल थिकनेस ऑफ दी ग्लास लैब एज 5.25 पॉइंट टू फाइव एम एम अपेरेंट डेफ्थ एज फाइव एम एम सबसे पहले तो ये समझो कि भैया जो ये ग्लास लैब का रियल रियल जो डेफ्थ है रियल जो डेप्थ है अगर हमने इसको डी बोल दिया है और एक आपका होता है अपेरेंट डेप्थ जिसको हमने डी प्राइम बोल दिया है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए उसको हमने म्यू बोला है तो आपको ये तो फॉर्मूला पता है ना कि आपका जो ये अपेरेंट डेप्थ होता है आपका जो ये अपेरेंट डेप्थ होता है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर में एयर है ठीक है हाँ जी सर यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको हो गया है डी डिवाइडेड बाई डी प्राइम तो सर हमको कहता है कि आपने जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया आपने देखा कि जो रियल डेप्थ है वो फाइव पॉइंट टू फाइव है और आपका जो अपेरेंट डेप्थ है वो फाइव है तो आपको ये पता चल गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अभी तक हमने एरर की अभी तक कोई बात नहीं करी है ऑब्वियसली आपने जब आपने जो मेजरमेंट लिया है उसमें एरर तो रहेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन पहले म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सो so, फाइव पॉइंट टू फाइव यानी कि फाइव ट्वेंटी फाइव बटा पांच सौ है ना ये तो ये तो पांच सौ हो गया है तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको सौ से चल जाएगा ये आपको एक सौ पांच से जाएगा बट योर ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी तो ये आपको बेसिकली म्यू की वैल्यू है अब फर्दर सवाल पढ़िए आगे बोलता है द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज ट्वेंटी डिविजन इन वन सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल अच्छा रे बाबा यानी कि आपका वन एमएसडी कितना है वन मेन स्केल डिविजन हमसे कहता है कि भैया एक सेंटीमीटर में आपको बीस डिविजन है एक सेंटीमीटर बटा बीस तो ये ना हो गया है आपका जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर या फिर जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव एम एम आपका हो गया है वन मेन स्केल डिवीजन इसके बाद कहता है कि पचास वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिस विदीन मेन स्केल डि भैया आपको वीएसडी भी चाहिए रहता है तो हमने क्या बोला हमने यहां पर बोला फिफ्टी टू फोर्टी पता चल गया है कितना है पॉइंट फाइव दिस इज योर पॉइंट फाइव तो यह हो गया आपका एक वी एस डी क्लियर अब अपने को चाहिए होता है लीस्ट काउंट अब अपने को चाहिए रहेगा लीस्ट काउंट तो भैया आपका लीस्ट काउंट कितना हो जाता है one MSD, one MSD अब तुम ध्यान से देखो तो वन वी एस डी वन एम एस डी आपका पॉइंट फाइव है माइनस और ये आपका वी एस डी है यानी कि फोर्टी नाइन बाई फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट फाइव ठीक यहां से आप चाहो तो पॉइंट फाइव को कॉमन फोर्टी नाइन बाई फिफ्टी होगा तो इवेंचुअली आपको ये वन बाई फिफ्टी ही बचने वाला है क्लियर है मेरी बात हाँ जी सर तो ये आपको दिख रहा होगा ना पॉइंट पॉइंट mm mm. तो जनाब मेरा लीस्ट काउंट निकल के आ चुका है मेरा लीस्ट काउंट निकल के आ गया है इसको यहां से हटा दे इसको यहां से हटा देते हैं नहीं तो फिर सॉल्व कहां करोगे आगे का काम तो लीस्ट काउंट निकल के आया सर लीस्ट काउंट क्यों निकलवाया अभी समझाते हैं हमसे कहता है द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाउ मच हमसे भैया डेल्टा म्यू पूछ रहा है तो म्यू का फॉर्मूला ये है अगर हम यहाँ पे डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम बोलेंगे डेल्टा म्यू बाय म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा डी प्राइम बाय डी प्राइम ठीक है हाँ जी सर अब तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू म्यू को राइट साइड ले जाइए और म्यू की वैल्यू हमने सॉल्व की है दैट इज़ योर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ये जो डेल्टा डी बाई डी दे, है डेल्टा डी क्या है एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेप्थ्स तो वो तो लीस्ट काउंट होएगा आपका पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन हालांकि हालांकि आप इस चीज को कुछ बच्चे जो है ना यहां से भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते थे कि सर यहां पे क्योंकि पॉइंट टू फाइव है यानी जो लीज काउंट होगा वो पॉइंट जीरो वन अपना होने वाला है बट क्योंकि आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिया है सो मेक श्योर कि आप इसका इस्तेमाल कर ले क्योंकि एन टी ए है भरोसा नहीं है कि वो लोग यहां पर वो चीज इस्तेमाल करके आपको आंसर निकलवा रहे थे कि नहीं सो so आपका जो तो डेल्टा डी हो जाएगा दैट इज योर पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाई डी डी अपना कितना है फाइव पॉइंट टू फाइव दिस इज योर फाइव पॉइंट टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन ये आपको है ठीक है इसी को आपको बस अब सॉल्व करना है इसी को आपको अब कैलकुलेट करना है राइट right? आप यहां पे अगर ध्यान से देखो चाहो तो इसको 5.00 लिख सकते हो एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई गेट द करेक्ट आंसर ठीक है सर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि स्मॉल चेंज अरे अरे इस सवाल में तो भैया सवाल ही आपका एरर का है एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इस तरीके का सवाल शायद आपने कभी तो कभी तो सॉल्व किया होगा ऑन क्या आंसर आ रहा है बताइए वन पॉइंट जीरो फाइव किसी का कोई आंसर आया कि नहीं आया भाई साहब बताइए बस इसी को तो सॉल्व करना है इसी को तो सॉल्व करना है इसको सॉल्व करके क्या आंसर निकल के आ रही है कमौन कमौन कमोन 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 बच्चा लोग बताइए <laughs> क्या आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे हल्का से इसको सफाई कर देते हैं अपने को डेल्टा म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है दिस इज योर ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ नहीं है ये आपको वन बाई फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये वन बाई फाइव हंड्रेड हो जाएगा फाइव हंड्रेड हो जाएगा ठीक है आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो ट्वेंटी फाइव कॉमन खींच सकते हो सो ट्वेंटी वन डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव चाहो तो बाहर कॉमन खींच लो तो ये वाला कितना हो जाएगा आपको ध्यान से देखिए ये वाला आपको हो जाएगा ट्वेंटी वन और ये वाला आपको हो जाएगा ट्वेंटी अब यहाँ पे आप इस वाले ट्वेंटी वन को चाहो तो अंदर भेज दो इस वाले ट्वेंटी वन को अगर आप अंदर भेज दोगे तो आपका ये हो जाएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको वन बचेगा यहाँ पे ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी बचेगा अब इसको बेसिकली आप सॉल्व करेंगे वन बाई ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई योर फोर्टी वन बाई ट्वेंटी अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा और इसी को ही अपने को सिंप्लीफाई कर देना है फर्दर सो दिस इज हाउ मच फो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड है आपके पास फोर हंड्रेड है और नीचे में आपको पच्चीस और है तो ये आपको कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव और ऊपर में आपको ऑलरेडी फोर्टी वन है राइट सो दिस इज हाउ मच ये आपको हंड्रेड है यानी टेन टू पावर फोर दिख रहा है इंटू फोर्टी वन तो जिस तरीके का यहाँ पे आपको फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अगर क्रिएट करोगे तो ये आपको जो है वन बाई टेन इंटू फोर्टी वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो देखिए एक्स की वैल्यू आपको फोर्टी वन निकल के आ जाएगी स्क्रू divisions on आर circular scale ऑन the स्केल एंड moves by moves by 0.5 mm on a ऑन कंप्लीट रोटेशन ऑफ circular स्केल सो भैया बेसिकली आपको जो है ना आपको यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो पिच आपको कितना दिया हुआ है पॉइंट फाइव एम कहता है कि सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाने से पॉइंट फाइव एम वो घसक जाता है और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है सर्कुलर स्केल पे सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको कितना है टोटल 100 तो भैया आपका लीस्ट काउंट तो पता चल गया पिच बाई योर सर्कुलर स्केल डिवीजन राइट तो ये आपको कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई 100 सो दिस बिकम्स योर पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम ये तो भैया लीस्ट काउंट रहा ये तो भैया आपका लीस्ट काउंट रहा अब हमसे फर्दर कहता है दी जीरो ऑफ द स्केल लाइज़ बिलो द लाइन ग्रेजुएशन टू स्टड्स आर ब्रॉट इन ईच अदर कहने का क्या मतलब है अगर आप इसके डायग्राम को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो डायग्राम जो होगा कुछ इस प्रकार से रहा होगा ये आपका है और हमसे क्या बोला हमसे भैया बोल रहा है ये रेफरेंस लाइन है तो जीरो छह डिवीजन नीचे है यानी ये वाला सिक्स डिवीजन रहा होगा खटाक 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 खटा करके ऐसे करके डिवीजन जीरो नीचे है और अभी जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है यहाँ का और यहाँ का जो गैप है वो आपस में टच में है ठीक है सो बेसिकली बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो अगर तुम ध्यान से इस चीज़ को अगर फील करना चाहो आपको जब इसमें कुछ बीच में फंसाना होगा तो आप इसको कैसे घुमाते हो आप इसको जनाब घुमाते हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज समझिएगा इसको राइट हैंड से पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी छह डिविजन का रीडिंग ये शो कर रहा होगा क्योंकि यहां पे छह का मार्किंग है और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है यानी ऑलरेडी छह डिविजन का जो रीडिंग है वो शो कर रहा है यह स्क्रू गेज जबकि हमने अभी तक बीच में तो कुछ डाला ही नहीं है इसका मतलब आपकी जो भी फाइनल रीडिंग आती है उसमें से आपको ये वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि ये अभी शुरुआत से ही एग्जिस्ट कर रहा है जबकि वायर बीच में है ही नहीं इसी कोई हम लोग कहते हैं बेसिकली यहां पे आपका पॉजिटिव एरर यानी कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो अपने फाइनल रीडिंग में से अब अगर हम यहां पे बात करें कि सर ये एरर कितना है तो आप इसको क्या लिखोगे दिस एरर इज इक्वल टू आपका यहां पे छह डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इसको हम लोग फाइनल रीडिंग में से सब्रैक्ट कर देंगे अब आगे आपसे कहता है वेन अ वायर इज between बिटवीन studs, फोर लीनियर स्केल division आर क्लियरली विजिबल यानी कि यानी कि आपका फोर डिविजन तो क्लियर दिख रहा है और एक डिवीजन आपका 0.5 फाइव mm है मेन स्केल में यानी फोर इंटू पॉइंट फाइव से तो ज्यादा ही रीडिंग होगा फोर पॉइंट फोर इंटू पॉइंट फाइव से तो ज्यादा ही रीडिंग होगा प्लस फिर कहता है कि फोर्टी सिक्स डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल तो फोर्टी सिक्स इंटू लीस्ट काउंट और इसमें से ये वाला सब करना होगा इस प्रकार से तो ये आपको हो गया जनाब टू एम एम यहां पर फोर्टी इंटू लीस्ट काउंट दैट इज यो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एम तो यह अपना हो जाएगा बेसिकली दो एम एम प्लस अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो यह आपको कितना हो जाएगा दिस इज योर इंटू पॉइंट uh, जीरो तो. आपको जनाब हो रहा है .2 mm. This is your 2 .2 mm. लेकिन पावर माइनस टू चाहिए दो सौ बीस इंटू टेंट दावर माइनस टू एम एम तो भैया बिना कोई फॉर्मूला रटे फील करके भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे a having a coil resistance of 100 ओम अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ यानी Ig की वैल्यू है इज पासिंग थ्रू इट वट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिसलैक्शन ऑफ टेन वोल्टे तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है आप सीरीज में लगाते हो एक रेजिस्टर और हमसे कहता है कि इसके अक्रॉस का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग हो सके दैट शुड बी टेन वोल्ट यहाँ पे आपका आईजी करंट फ्लो कर सकता है तो साफ दिख रहा है टेन इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस एस अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू है वन मिली एमपियर टेन टू तो दी पावर माइनस थ्री कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है सो ओम और हमें ये चीज एस निकालनी है दिस बिकम्स योर टेन थाउजेंड माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू एस यानी एस इज इक्वल टू नाइन नाइन डबल जीरो ओम बोले तो सर नाइन पॉइंट नाइन किलो ओम योर ऑप्शन नंबर सी क्लियर इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस

आगे बढ़ते हैं लेकिन है, अच्छा। तो आपको तो एक बार समझ में आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको length upon area के proportional होता है। या फिर लेंथ अपॉन और क्रॉस एरिया होता है पाई डी स्क्वाई फोर यानी यहाँ पे डी स्क्वायर का टर्म है

राइट right साइड वाला चीज बचेगा हंड्रेड माइनस एल प्राइम बस ठीक बात है अच्छा R S की वैल्यू तो 1 3 है इसको रिप्लेस किया सो दिस बिकम्स हंड्रेड माइनस एल प्राइम तो यहां पे हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मेरा आंसर जो है मुझे तो आता हुआ दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है क्या कि इसका जवाब सर फोर्टी होने वाला है क्लियर अच्छा ये सवाल जो है आपका बेसिकली हाफ डिफ्लेक्शन एक एक्सपेरिमेंट होता है जो आप लैब में परफॉर्म करते हो उससे ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है राइट right? अब अगर आपको हाफ डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट का मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो आप इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका वीडियो का लिंक डाल दिया है कुछ दिन पहले ही हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि व्हाट इज योर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड और उसका आपको एक रिजल्ट निकल के आया था फिलहाल के लिए आप इस रिजल्ट को अपने दिमाग में रख सकते हैं

सिर्फ इतना ही इस सवाल में हमको करना था अगर आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसको जरूर से देखें आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एस इज इक्वल टू जी प्लस एस यानी कि गैलवानोमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टू टाइम्स शंट रेजिस्टेंस तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ही होता है गैलवनोमीटर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना तो हमने देखा कि अगर वन थर्ड डिफ्लेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो गैलवनोमीटर रेजिस्टेंस आएगा टू टाइम्स शंट रेजिस्टेंस यानी मेथड से आपने पता कर लिया है कि गैलवानोमीटर का रजिस्टेंस

ठीक है अच्छा सर देन द टोटल करंट आई व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज कैपिटल के विल बी हाउ मच तो टोटल करंट अगर आई है तो इसके अंदर तो आपका आई गया होगा और बाहर में आपका आई माइनस आई गया होगा तो इस दोनों यू नो

ठीक है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इन द बैलेंस पॉइंट इज यहां का कंस्ट्रक्शन में हमसे कहता है कि यहां पे आपके पास दो ओम है और इसके बाजू में आपके पास थ्री ओम है और आपने जो है यहाँ पे नीचे में आपके पास क्या है एक मीटर का वायर रहा होगा आप यहाँ पे बैलेंसिंग बैलेंसिंग खेल रहे हो राइट right? तो सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ पता कर लेते हैं कि भैया गैल्वनोमीटर कहां पे आपको बैलेंसिंग देने वाला है इस तरीके से मेरा गैल्वनोमीटर होता है यहां पे बैलेंसिंग दिया होगा मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ जो है एल है तो बचा हुआ लेंथ हो जाएगा हंड्रेड माइनस एल सेंटीमीटर की वायर है ना तो बैलेंसिंग लेंथ क्या बोलता दो सौ बाई पांच इज इक्वल टू एल तो एल तो 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 की वैल्यू फोर्टी आई तो सर एक बात समझ में आ गई कि सर ये वाला जो, जो था वो फोर्टी और सिक्सटी है रेस्पेक्टिवली फोर्टी सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर अब आपने क्या किया आपने एक x ओम लगाया है इन पैरल टू योर थ्री ओम यहां पे आपने एक और रेजिस्टेंस लगाया है x ओम इन पैरल टू थ्री ओम इसके कारण से बोलता है कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट बाई 22.5 अगर तुम ध्यान से देखो तो 22.5 जो है वो फोर वो 90 बाई फोर के बराबर है अब तुम खुद सोचो कि आपका बैलेंसिंग पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया होगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होगा तुम खुद सोचो अगर आपने पैरल में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये जो इक्वेलेंट होगा वो अब घट गया पहले अगर ये थ्री ओम था तो अब ये जो इक्वेलेंट होगा वो थ्री ओम से कम हो जाने वाला है यानी कि आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा अब वो राइट साइड शिफ्ट करेगा यानी कि अब जो आपका नया बैलेंसिंग पॉइंट है ना वो 44 प्लस 90 बाई फोर होगा तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको भी यहां से हटाया है अब आपका जो नया बैलेंसिंग लेंथ होने वाला है जस्ट फोकस ओवर हियर सम वॉट हियर लेटर्स से यानी कि सर अब जो ये है दैट इज 40 प्लस 90 बाई फोर और जो ये वाला होगा वो 60 माइनस नाइन्टी बाई फोर होगा ठीक है इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये 160 सिक्स प्लस नाइन की 250 4 फिफ्टी बाई निकल के आ रहा होगा 240 फोर्टी माइनस नाइनटी यानी कि वन फिफ्टी बाई फोर तो फिर से हम लोग यहां पे रेशियो रेशियो खेल सकते हैं मान लीजिए कि इसका जो इक्वेलेंट है दैट इज योर स्मॉल आर राइट तो हम क्या बोलेंगे टू बाई स्मॉल आर हम बोलेंगे कि सर टू बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस लेंथ यानी कि टू फिफ्टी बाई फोर डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी बाई फोर तो यहां से आपका फोर से फोर जो उड़ जाएगा दिस इज योर टू बाई आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी दिस इज योर फाइव थ्री फाइव फाइव तो आपका आर कितना आ रहा है सिक्स बाई फाइव ओम अब ये सिक्स बाई फाइव क्या है दिस सिक्स बाई फाइव इज नथिंग बट इक्वेलेंट ऑफ थ्री एंड एक्स सो सर दिस इज यी एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ये आपको टू हो जाएगा सो दिस इज योर सिक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्सर एक्स की वैल्यू जो आ रही है दैट इज योर फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज फिफ्टी वोल्ट एंड एन अमीटर ऑफ रेंज टेन मिली एम्पियर यूजिंग अ गैलवानो मीटर विच इज अल रेजिस्टेंस ऑफ फिफ्टी फोर ओम शोइंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वन मिली एम्पियर एज इन द फिगर तो हमको बेसिकली बताना है कि भैया आर की वैल्यू हमको क्या रखनी है वोल्टामीटर में और आमीटर में आपको यहीं पे साफ साफ दिख रहा होगा कि दिस इज सेटअप फॉर अ वोल्टामीटर एंड दिस इज द सेटअप फॉर योर आमीटर है ना गैलवनोमीटर के पारल में एक शंट लगाया है और यहाँ पे गैलवनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है अगर हम सबसे पहले वाले की लिए इक्वेशन लिखे तो हमको दिख रहा है कि फिफ्टी वोल्ट ज द पोटेंशियल डिफरेंस फिफ्टी इज इक्वल टू दिस इज योर टेन टू दावर माइनस थ्री गैलवानोमीटर रजिस्टेंस विच इज योर फिफ्टी फोर प्लस दिस इज योर कैपिटल आर तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आपको निकल के आ रहा है फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी फोर इज इक्वल टू आर सो यहाँ पे दिख रहा है ना कि आर इज आपको अप्रोक्सिमेटली फिफ्टी थाउजेंड ओनली फिफ्टी थाउजेंड में से फिफ्टी फोर माइनस भी कर लिया तो क्या ही मिल गया तो दिस इज रफली फिफ्टी फिफ्टी किलो ओम तो यहाँ पे इज़ इज़ फॉर किलो ओम। तो ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट आपको सही है ठीक है? यानी कि सर ये वाला, ये वाला, वाला गलत है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस केस में तो सर यहाँ पे हमसे कहता है कि दिस अ रेंज ऑफ टेन मिली रेंज ऑफ टेन मिली एम्पियर मीनस वॉट बेसिकली यहाँ से आपको 10 मिली एम्पियर आ रहा था उसमें से 1 मिली एम्पियर घुस गया गैलवनोमीटर में तो बाकी बचा आपको जो 9 मिली एम्पियर है वो नीचे घुस गया इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस स्मॉल आर के अक्रॉस है वही इस कैपिटल जी के अक्रॉस भी होना चाहिए तो स्मॉल आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है नाइन इंटू आर नाइन को मिली एम्पियर में छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे भी आपको मिली एम्पियर है वन मल्टीप्लाइड बाई 54 तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू कितनी आ रही है uh, 9654 ना सो r इज इक्वल टू योर 6 ओम और ये हमको कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है यानी ये वाला गलत है ये सी है तो a और c जो है वो सही जवाब होना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका सही जवाब है ठीक है एकदम चलिए

जब वायर का ओरिजिनल लेंथ वन मीटर था राइट right? तब ये क्या है दिस इज योर एक्सटेंशन अपॉन लोड उसका जो रेशियो है वो पॉइंट टू फाइव था पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दर माइनस फाइव बच्चे इस चीज को है ना जनरली इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं नोटिस करना अच्छा तो तो कहीं ना कहीं आपको एक बार फॉर्मुला तो लिखना ही पड़ेगा दैट इज योर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू इज इक्वल टू यंगडल्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक बात है अब यहां पर ना थोड़ा सा ध्यान से देखना इस

अपॉन ए और ये वाई नीचे चला गया दिस इज योर एक्स अपॉन एफ दिख रहा है हाँ जी सर और हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है वायर का लेंथ वो तो यही है सो so बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें कि एक्स बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय ए यंग्स मॉडुलस डॉट एल तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्राफ का स्लोप होगा ना ये जो ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप कुछ नहीं 1 बाय ए वाई ही है क्लियर है हां जी सर इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप है वो तो आप यहाँ से लिख ही सकते हो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है तो परपेंडिकुलर कितना है पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई बेस इज़ योर वन मीटर ठीक है दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वॉट इज़ योर क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं तो पढ़ा था मैंने हाँ ये रहा

इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिटिंग वैल्यू ऑफ फोकल कन्वर्जिंग मिरर मिरर की बात की जा रही है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल मिरर इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर सो बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपको फोर्टी यानी कि माइनस फोर्टी सेंटीमीटर है और आपको इमेज जो है वो माइनस वन सेंटीमीटर है दीज डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विद अ मॉडिफाइड स्केल इन विच देर आर ट्वेंटी स्मॉल डिविजन इन वन सेंटीमीटर यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा एक सेंटीमीटर में आपका बीस डिविजन है सो इतना हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है सो यही बेसिकली आपका एरर भी बन जाता है कि इतना पॉसिबल एरर आपका हो सकता है

वी स्क्वायर प्लस योर डी यू बाई यू स्क्वायर यहां पे डी एफ एंड डी यू ही आपका जो है वो एरर्स है वही आपका बेसिकली जो है वो एरर्स है ठीक है ऑन राइट आंसर ऑप्शन क्या दिक्कत है भाई ऑन कम ऑन सॉल्व कीजिए हाँ जी बच्चा जी आप अभी भी ज्वाइन आराम से कीजिए एडवांस के कोर्स को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी का आंसर कुछ आया क्या तो सबसे पहले है ना हमें डी एफ चाहिए तो डी एफ से पहले फोकल लेंथ तो निकालना पड़ेगा कि आपका फोकल लेंथ कितना है तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा फोकल लेंथ आपका निकलेगा नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला है इस फॉमूला से पहले फोकल लेंथ निकालो तो ध्यान से अगर तुम देखो कि आपका जो एफ हो रहा है ना वो आपको आ रहा है यू वी अपॉन u प्लस वी अब सर u और v कितना है आपको दिख रहा है 40 और 120 है तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली 40 इंटू वन ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे में आपका कितना आ रहा है u प्लस वी है तो माइनस फोर्टी प्लस माइनस वन ट्वेंटी बेसिकली और माइनस वन सिक्सटी आ रहा है तो ये आपको कट किया तो ये माइनस फोर सो बेसिकली माइनस थर्टी तो भैया फोकल लेंथ जो है मेरा वो माइनस थर्टी आ रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा डी एफ आएगा एफ स्क्वायर को राइट right साइड ले जाएंगे तो ये थर्टी का स्क्वायर बोले तो नाइन हंड्रेड हो जाएगा राइट right? अच्छा सर यहाँ पे डीवी बाईर डी वी कितना है, DV ही तो है तो ये v का तो इसका स्क्वायर करना है यानी कि वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन टी प्लस पॉइंट जीरो फाइव इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा तो फोर्टी इंटू फोर्टी अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना यहाँ पे ऊपर में तो 900 है पॉइंट जीरो फाइव भी कॉमन निकालो और यहाँ से 40 इंटू फोर्टी को बाहर कॉमन खींच लो तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री का स्क्वायर वन बाई नाइन प्लस वन ओके सर तो ज़ीरो से जीरो जीरो से ज़ीरो आपका ख़त्म हो जाएगा दिस इज़ नाइन इंटू पॉइंट ज़ीरो फाइव डिवाइडेड बाई सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई टेन बाई नाइन तो नाइन से नाइन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये आपको हो रहा है बेसिकली पॉइंट फाइव बाई सिक्सटीन Is so, क्या हो रहा है इसका भी आप ढूंढने जाओगे ना आपको सोल्यूशन इसका ढंग का है ना कहीं मिलने ही नहीं वाला है सो so, बेसिकली आपके पास एक बकेट है जो शुरुआत में खाली है बकेट जो है शुरुआत में खाली है फिलहाल के लिए हमने एक इस प्रकार से एक्सेस मान लिया है और आपके पास ऊपर में माइक्रोस्कोप है ठीक है सो बेसिकली यहाँ पे एक लेंस सा बना देते हैं है ना तो ये बेसिकली आपका जो है माइक्रोस्कोप है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो बॉटम पे है ठीक है तो बेसिकली आपने माइक्रोस्कोप के पोजीशन को है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट कर लिया है और अब आपको यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ठीक इसके माइक्रोस्कोप के पीछे ऑब्जर्वर की आंखें होंगी तो ऑब्जर्वर को मस्त जो है क्लियर इमेज दिखाई दे रहा है ये आपको फिलहाल अभी बोला जा रहा है अब हमसे कहा कि आपने क्या किया एक लिक्विड एड किया है फाइव बाई थ्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस जिस कारण से माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप हैज बी को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा थर्टी सेंटीमीटर टू अगेन फोकस ऑब्जेक्ट मुद्दा यह हुआ कि आपने जैसे ही इसके अंदर कोई लिक्विड एड कर दिया अब इस लेंस को ऊपर शिफ्ट करना पड़ गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर क्यों हुआ ऐसा क्योंकि भैया आपको तो पता है ना आपको पता है कि अब जो ये ऑब्जेक्ट है बाहर में जो कुछ भी है उसको ये ऑब्जेक्ट अब यहां नहीं दिखाई देगा उसको ये ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ या फिर जो उसकी शिफ्टिंग हो रही है ये आपका कॉन्सेप्ट है अपेरेंट डेप्थ का ना कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल था ये सो so, अगर आपने इसको ऊपर थर्टी से मूव किया इसका मतलब गारंटीड ये भी थर्टी से ऊपर शिफ्ट किया होगा तभी तो लेंस को दोबारा से वही दूरी आपने लेंस की नई पोजीशन ये कर दी क्यों क्योंकि पहले अगर लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में ये दूरी रहनी चाहिए थी टू फॉर क्लियर इमेज तो अभी भी तो वही दूरी रहनी चाहिए तो लेंस अगर ऊपर किया है मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर शिफ्ट किया होगा थर्टी सेंटीमीटर से तो बस कहानी खत्म हो गया है यानी कि सर मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये जो आपका दूरी है हमें समझिएगा अगर ये आपका एक्चुअल जो डेप्थ है वो डी है यानी सर जो मेरा अपेरेंट डेप्थ हुआ वो सर हुआ है d माइनस थर्टी और हमको तो पता है कि सर जो मेरा अपेरेंट डेप्थ होता है वो इस केस में होगा एक्चुअल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर d माइनस थर्टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनाब फाइव बाई थ्री तो थ्री ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वन फिफ्टी इज़ इक्वल टू थ्री डी सर टू डी इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी सर डी इज़ इक्वल टू सेवेंटी फ़ाइव हमसे यही पूछा था कि कितना आपका लेवल है लिक्विड का सर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इसमें हमसे कहता है फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड कैक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर द डायनेमिक रेजिस्टेंस एट आई डी इक्वल्स टू थ्री मिलिया एम्पियर विल बी हाउ मच तो ये भी हमने डिस्कस करा है अपने रिविजन सीरीज में डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आपको होता है राइट दिस इज योर डेल्टा वी दिस इज योर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई राइट ये क्या है कि आपको नॉन लीनियर है राइट ओमिक ओम्स लोग फॉलो नहीं कर रहा तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट ले रहे हैं बढ़िया है अब आप ध्यान से देखिए आपका जो आपका जो डेल्टा आई है वो कितना है यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट के अक्रॉस हमसे पूछ रहा है तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक पॉइंट लिया है और इसके नीचे एक पॉइंट लिया है इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग तो आपका जो डेल्टा आई है वो कितना आ जाएगा फाइव माइनस वन विच इज़ योर फोर मिली एम्पियर तो डिनोमिनेटर में चला गया फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री और डेल्टा भी अब आप ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट आपको है और ये वाला पॉइंट आपको पॉइंट सेवन फाइव है सो पॉइंट सेवन फाइव माइनस पॉइंट सिक्स फाइव विच इज योर पॉइंट वन ठीक है तो ये आपको कितना हो जाएगा ये आपको हो रहा है हंड्रेड बाई फोर यानी कि दिस इज योर ट्वेंटी फाइव ओम ये सवाल में हमसे यही पूछता है कि आपके पास एक आई कैरेक्टरिस्टिक है पी जंक्शन डायोड का इन द फॉरवर्ड बायस द रेशियो ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट अच्छा सर तो अगर आपसे यहां पे टू वोल्ट पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो पहला जो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा आई तो टू वोल्ट के जस्ट बाजू में आपको दिया है ना सो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज टू पॉइंट वन माइनस टू तो यह पॉइंट वन हो गया है डिवाइडेड बाई अब इसके क्रॉस्पॉन्डिंग ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा आई यानी कि फाइव मिली so एम्पियर सो फाइव मिली एम्पियर सिमिलरली आर टू की बात करें तो यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज योर पॉइंट टू और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके बीच का डिफरेंस दैट इज योर फिफ्टी मिलियांपियर तो यूनिट्स चेंज नहीं करना है क्योंकि हमको अंत में रेशियो ही निकालना साथ पॉइंट वन बाई फाइव डिवाइड बाई पॉइंट टू बाई फिफ्टी अपने को सिंपली इसी को सॉल्व करना है ना डेसिमल तो आप यहां से उड़ा दोगे तो यह आपको कितना हो जाएगा दिस विल

द ट्यूनिंग फॉर्क फ्रिक्वेंसी इज़ वॉट अच्छा अब आप ध्यान से देखिए 17 सेंटीमीटर का यहाँ पे वाटर कॉलम है राइट अभी हमको कहता है जो भी आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क था यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो भी ट्यूनिंग फॉर्क था उसका फ्रिक्वेंसी लेटस से एफ नॉट है राइट तो इस सिचुएशन पे अभी ये रेजोनेट कर रहा है तो जो इसमें स्टैंडिंग वेव डायग्राम है वो इस तरीके से मैंने बना के दिखा दिया है राइट अच्छा अब हमसे कहता है कि हमने इसका लेवल को ले गए हैं ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव यानी कि इस वाटर के हाइट को हमने कुछ इंक्रीज़ किया है तो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लाने पे आपको नेक्स्ट रेजोनेंस फिर से अचीव हो गया ठीक है तो हमसे पूछ रहा है बताइए ये ट्यूनिंग फोर का फ्रिक्वेंसी कितना है अब देखिए होगा क्या जैसे ही आपने इसे ट्वेंटी ऊपर लेके गए हैं सो so आपको यहाँ पे दिखना चाहिए दैट डिफरेंस इन दिस वाटर कॉलम 24.5 फोर माइनस सेवनटीन इज नथिंग बट लामडा बाई टू आपको दिख रहा है ना ये नेक्स्ट रेजिनेस तब होगा जब ये बॉर्डर कॉलम को आप यहां तक पहुंचा देंगे ताकि यहां पे आपको फिर से एक नोड मिले आपको फिर से एक नोड मिले देन यू आर गोइंग टू सी दी रेजिनेस राइट जब आपने वाटर कॉलम को इतना लेवल और इंक्रीज किया है सो व्हाट इज दिस गैप ये ये गैप कितना है ये आपको लामडा बाई टू के बराबर निकला बस इस सवाल का यही कैच था सो दिस इज इक्वल टू लामडा बाई टू इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आपको हो जाएगा कितना सेवन पॉइंट फाइव सो लामडा आपका आ रहा है फिफ्टीन सेंटीमीटर राइट और हमें पता है दैट वी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लामडा यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ नॉट जो हो जाएगा ट्यूनिंग फॉरका दैट इज़ वी अपॉन लामडा वी की वैल्यू हमारे पास है 330 सौ तीस डिवाइडेड बाई दिस इज फिफ्टीन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू राइट अच्छा फिफ्टीन से ये कैंसिल हो रहा है क्या दिस इज टू टू यस सो दिस इज योर टू टू डबल जीरो हर्ट्स दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी ठीक इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द क्वेश्चन इज वेरी गुड माइंड योर द क्वेश्चन इज रियली गुड इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन दिलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर राइट आपने बेसिकली रेजोनेंस ट्यूब का सहारा लिया होगा फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्जर्व वेन द एयर कॉलम हैज अ लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर बेटा इस ट्वेंटी सेंटीमीटर पर मत जाना समझना मेरी बात को फॉर अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फोर हंड्रेड हर्ट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना द थर्ड रेजोनेंस इज ऑब्जर्व वेन द एयर कॉलम हैज लेंथ ऑफ समथिंग सबसे पहले तो मेरी बात को समझना सबसे पहले मेरी बात को समझना हो ओ हो -ओ -ओ, बेटा क्या हो रहा है कि आपका जो ये बनता है ना इस तरीके से ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये कहानी आपको बेसिकली चलती जा रही है ये कहानी आपको बेसिकली चलती जा रही है सो so, यहां पे आपको बनता है यहां पे आपको बनता है फर्स्ट रेजोनेंस तो ये वाला जो लेंथ है वो बेसिकली आपको होता है लैमडा बाई फोर यहां पे आपको बेसिकली बनता है सेकंड रेजोनेंस जो कि आप देख सकते हैं थ्री लैमडा बाई फोर है और यहां पे आपको बनने वाला है थर्ड रेजोनेंस जो कि आपको बेसिकली फाइव लैमडा है यानी कि सर सर अगर हमको पता चल जाए कि ये जो पहला रेजोनेंस बना था उसके लिए लेंथ कितना है क्योंकि यहां आप तो तो आपको पहले वाले का तो लेंथ होगा उसका फाइव टाइम्स बच्चा इसमें गलती क्या करता है उसको लगता है कि ट्वेंटी सेंटीमीटर ही है पहले वाले का लेंथ जो कि गलत है गलत है क्यों क्योंकि शायद इसमें आपको एक एंड अरेर भी रहा होगा आपको अगर लेंथ चाहिए तो आप उसे पता है कैसे पता करेंगे आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी इतना है आपको वेव का स्पीड भी दे रखा है तो बेटा आपको कहीं ना कहीं पता है कि फर्स्ट रेजोनेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज योर v डिवाइडेड बाय 4l फर्स्ट रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है यानी कि सर जो लेंथ हो गई है ना दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय 4 f0 सर v की वैल्यू कितनी है दैट इज़ योर थ्री थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इन टू और सर एफ नॉट की वैल्यू है चार सौ दिस इज़ योर चार सौ ठीक है सर अच्छा फोर को अगर हमने इससे डिवाइड किया तो फोर एट एंड इज योर ये हो गया आपका, आपका so ट्वेंटी बोला था एंड करेक्शन वन सेंटीमीटर का रहा होगा बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर द मेन मुद्दा इस पहला रेजोनेंस के लिए लेंथ होना चाहिए था इक्कीस सेंटीमीटर का इक्कीस सेंटीमीटर का, का यानी कि जो आपका गुना होना चाहिए अब आंसर दैट इज योर फाइव और यहां पे आपका हो जाएगा जीरो right? अच्छा. तो सेंटीमीटर का 105 सेंटीमीटर का तो सर ये आपको लेंथ हुआ इसमें से एंड करेक्शन कितना था एंड करेक्शन एयर कॉलम का लेंथ शुरुआत में 20 था और बाहर में यानी कि वन सेंटीमीटर रहा होगा आपको एंड करेक्शन तो फाइनली जब आपने 105 निकाला तो इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो सिर्फ और सिर्फ एयर कॉलम का लेंथ चाहिए तो आप इसमें से माइनस वन भी करेंगे दिस मेक्स योर आंसर एस 104 जीरो फोर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर मीटर वेन अ मास अब सोनोमीटर भी हमने पढ़ाया है अपने उस आ, आ, वेव मोशन के वीडियो में रिविजन वीडियो में मतलब नाम का रिविजन है आपको वो काफी डिटेल में ही इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर मास ऑफ वन एटी ग्राम इज अटैच टू द स्ट्रिंग समझिएगा तो ये बेसिकली सेटअप कैसा होता है आपको सेटअप जो है वो देखिए कुछ इस प्रकार का रहता है सेटअप जो है आपको कुछ इस प्रकार का रहता है यहाँ पे आपको ये वायर है ये रही आपकी काम की वायर ठीक है आप इसको दो जगह से ऐसा ऐसा अटका सकते हैं ठीक है बाई मूविंग दिस यू कैन चेंज द लेंथ बिटवीन द टू फिक्स एंड्स अच्छा और इस वायर में टेंशन पैदा करने के लिए आप यहाँ पे बेसिकली एक मास लटका देते हो आप पे एक मास लटका देते हो मास चेंज किया तो वायर में टेंशन चेंज हो गया वायर में टेंशन कितना हो जाएगा एम के बराबर ठीक बात है और ये होगी आपको वायर की लेंथ राइट जो आपको पार्टिसिपेट करेगी स्टैंडिंग वे में कहता है कि जब मास वन ग्राम है इट वाइब्रेट विदामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्स वेन मास m इज अटैच द स्टिंग वाइब्रेट विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स तो m की वैल्यू क्या है देखिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपको हो जाएगा वन बाई टूवेल्व और वी की जगह आप लिखोगे टेंशन अपॉन म्यू टेंशन का मतलब एम जी अपॉन म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ क्या लेंथ चेंज कर रहे हो नहीं क्या आपने ग्रेविटी तो खैर बहुत सेम ही है क्या आपने म्यू चेंज किया म्यू इज वायर का होगा मास पर यूनिट लेंथ वो भी नहीं बदला है तो आप बेसिकली मास बदल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास यानी कि मास इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो हमसे वही पूछ रहा है कि आपका बाद में मास कितना है सो so, m2 by m1 is equal to your f2 by f1 का होल स्क्वायर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको m2 निकालना है m1 हमको दे रखा है यहां पे 180 ग्राम f2 हमको दे रखा है यहाँ पे 50 और f1 हमको दे रखा है यहाँ पे 30 सो so, 30 का स्क्वायर तो यहाँ से आपका 0 से 0 मर गया दिस इज योर 25 बाय 9 9 इसको कट करेगा तो 20 हो जाएगा यानी कि सर m2 इज इक्वल टू योर 500 ग्रामस क्या आंसर ग्रामस में देना था बिल्कुल आंसर आपको ग्रामस में ही देना है ठीक है सर